नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, अपने प्रधानमंत्री के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बारे में हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। और उनके लाइफस्टाइल को जानने के लिए कुछ लोगों ने तो आरटीआई में कुछ सवालों के जवाब भी मांगे। मैं उनके बारे में भी आपसे बताऊंगी कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल करता है। तमाम सारी बातों के बारे में लोग जानकारी रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ही बताऊंगी। इस वीडियो में आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी बहाने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इसको पूरी देखिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 2015 में एक आरटीआई में पीएमओ से, यानी कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये जानकारी पूछी गई कि प्रधानमंत्री का फ़ोन कौन सा है, उनके इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो इसका भी जवाब दिया गया था। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, जवाब में ये कहा गया था कि पीएमओ का इंटरनेट स्पीड 34 Mbps है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना स्मार्टफोन ऑफिस से नहीं लिया है, वो आईफोन यूज़ करते हैं और ये उनका पर्सनल फ़ोन है और सोशल मीडिया अकाउंट भी वो अपना खुद ही हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। वैसे अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही सादगी से अपना जीवन जीते हैं। आमतौर पे प्रधानमंत्री के प्रोफाइल पर जो व्यक्ति बैठा होता है उसका सारा खर्च केंद्र सरकार सहन करती है, वहन करती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में थोड़ी सी अलग सोच रखते हैं। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि एक सक्षम व्यक्ति न केवल अपना खर्चा खुद वहन करे बल्कि जो उसके पास बच रहा है उसको वो ज़रूरतमंदों के लिए प्रयोग करे। इसलिए प्रधानमंत्री अपने भोजन और कपड़ों के लिए भारत सरकार का पैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अपने खाने का खर्च खुद उठाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाल ही में एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर होने वाले भोजन के खर्च को लेकर के सवाल पूछा गया था और इस बारे में केंद्रीय सूचना अधिकारी ने बहुत विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने खाने का खर्च खुद उठाते हैं, उनके खाने पे सरकार का कोई खर्च नहीं होता है। यहाँ तक कि देश या विदेश में यात्रा के दौरान भी वो विमान में घर का खाना पैक करा के लेके जाते हैं और इसमें अधिकांशतः वो खिचड़ी खाते हैं और खिचड़ी ही उनकी पैक की जाती है। दोस्तों, खिचड़ी के बहुत फ़ायदे होते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो कहते हैं ना कि बहुत लाइट खाना खाना चाहिए। और जो मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जाना है, बहुत ही लाइट खाना खाते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो और शरीर में ताकत भी दे। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री कितने फुर्तीले हैं, उनकी चाल बताती है कि वो कितने एक्टिव हैं। इससे पहले 2015 में एक आरटीआई के जवाब में सूचना अधिकारी ने ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी गुजराती खाना पसंद करते हैं और वह अपने कुक बद्री मीना के हाथ से खाना खाते हैं। बाजरे की रोटी खाना उन्हें बहुत पसंद है और खिचड़ी खाना वो बहुत पसंद करते हैं।
प्रधानमंत्री 2 मार्च 2015 के बजट के दौरान जिस समय बजट पेश किया जाना था उस दौरान संसद भवन की कैंटीन में पहुंचे और उन्होंने वहां पे सबको चौंका दिया। ये पहली बार ऐसा मौका लोगों ने देखा, ऐसा देखा कि प्रधानमंत्री कैंटीन में आया और उसने वहां भोजन किया और उनकी सादगी देखिए, उन्होंने पानी आरो कर लिया और शाकाहारी भोजन की जो थाली थी उसका अपनी जेब से 29 रुपए का उन्होंने भुगतान किया था। अब उनका जो घर है उसकी देखभाल का जिम्मा CPWD के ऊपर आता है वैसे तो, और वही प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं और उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के पास है और उनके घर की देखरेख की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है। ऐसे में उनकी सभी गाड़ियों की देखरेख SPG ही करती है। लोगों को ये भी पूछना था कि उनकी जो गाड़ियां हैं उसका खर्च, उसकी देखभाल कौन करता है, उनकी मेंटेनेंस कौन करता है, तो इन गाड़ियों की देखरेख SPG करती है। इसके अलावा RTI ने PM की सैलरी को लेकर के भी जानकारी मांगी थी लेकिन PMO ने नियमों का हवाला देते हुए इस बात को बताने से इनकार कर दिया था। वैसे मेरे विचार से कभी भी किसी की सैलरी, खासतौर पे किसी पुरुष की सैलरी या महिला की सैलरी कभी भी पूछी नहीं जानी चाहिए। हालांकि उनकी ओर से सिर्फ वेतन वृद्धि नियमानुसार किए जाने की जानकारी दी गई थी। अच्छा, एक और सवाल है, कभी कभी जो मोदी जैकेट्स पहनते हैं वो आम लोगों का एक फैशन स्टेटमेंट हो जाता है, तो RTI में प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों पर होने वाले खर्च को लेकर के भी जानकारी चाहिए थी किसी ने। तब PMO ने प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ये बताया कि प्रधानमंत्री अपने कपड़ों का खर्च अपनी जेब से करते हैं, यानी कि जो उनके कपड़े हैं उनको वो अपने पैसों से सिलवाते हैं, खरीदते हैं। निजी कपड़ों पे होने वाला खर्च उनकी सैलरी में से ही जाता है एक तरह से। इसके लिए सरकारी कार्यालय की तरफ से कोई रकम खर्च नहीं की जाती। सूचना के अधिकार के तहत इस जवाब के बाद RTI कार्यकर्ता सबरवाल ने ये कहा था कि बहुत से लोगों को अब तक ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों पर सरकारी खजाने की बड़ी रकम खर्च की गई है। तो RTI से मिली जानकारी के बाद लोगों का ये भ्रम भी दूर हो गया। अच्छा, मैंने एक बार कहीं ये पढ़ा था कि प्रधानमंत्री हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, जैसे कि शाम को खाना खाने के बाद जब वो अपने परमिसेस में सैर कर रहे होते हैं तो उनके साथ अधिकारियों की एक फौज भी साथ रहती है। वो इसलिए नहीं कि उनका वो मनोरंजन कर रहे हैं, वो इसलिए कि उस समय भी वो काम कर रहे होते हैं जब वो शाम को सैर कर रहे होते हैं। उस समय वो किसी भी एक अधिकारी को तलब कर लेते हैं और उनसे कई चीज़ों पे जानकारी उन्होंने पहले से ही उनको बताया होता है, तो वो सैर के दौरान जानकारी अधिकारी उनको देते रहते हैं। आप जानते हैं कि उनको उनके साथ जो चलने वाले अधिकारी होते हैं वो सचिव लेवल के लोग रहते हैं, तो कितनी सारी योजनाएं हैं, कितने सारे प्लानिंग्स हैं, कितनी सारी और देश की समस्याएं हैं, उन सब की फाइलिंग, उन पे डिस्कशन वो ऑफिस में बैठ के तो करते ही हैं, लेकिन बहुत बार वो फाइलों को लेकर के अधिकारी उनके साथ साथ चलता है और उनको बताता जाता है। पर कई बार प्रधानमंत्री बहुत सारी नई टेक्निक पे भी जानकारी हासिल करते हैं। वो समय भी उनका वही होता है जब वो खाना खा के सैर कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये वाली बात मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि उनके
जो 24 घंटे होते हैं उसमें जितना भी समय वो सोते हैं उसके अलावा ऑल द टाइम ही इज ऑन ड्यूटी। और जब वो कहीं जाते हैं उस समय भी वो काम ही कर रहे होते हैं। लाइक अगर वो फ्लाइट में है तो अपनी कोई फाइल को स्टडी कर रहे होते हैं। और एक आरटीआई में इसके बारे में किसी ने पूछा था कि पीएम मोदी की छुट्टियों का थोड़ा सा हिसाब चाहिए, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार भी छुट्टी नहीं लिए हैं। और उस पे उन्होंने ये नोट लगाया था कि ही इज ऑन द ड्यूटी ऑल द टाइम। पूर्व प्रधानमंत्रियों की छुट्टियों के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इसके बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि किस प्रधानमंत्री ने कब कब छुट्टी ली। और प्रधानमंत्री के लिए छुट्टियों का ऐसा कोई नियम नहीं है, इसके लिए कभी भी लीव एप्लीकेशन नहीं भेजी जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं। बहुत बार हम लोग जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं उनके हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, वो कभी किसी हिल एरियाज में गए हुए हैं या कहीं छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री कहीं जा नहीं सकता अपने परिवार के साथ, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो जब कभी भी अपनी माँ से भी मिलने जाते हैं तो वो उनका उस शहर में दौरा रहता है और उसी में से वो थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपनी माँ से मिलने जाते हैं। ऐसे कोई वो स्पेशली अपनी माँ से मिलने नहीं जाते हैं जैसा कि जानकारियों में ये डाटा उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री का जीवन कितना सरल है। वो सरकार पे बिल्कुल भी अपने लाइफस्टाइल का एक भी पैसा खर्च नहीं करते हैं, ना तो खाने में कोई खर्चा है उनका, ना तो उनका मीडिया अकाउंट हैंडलिंग का कोई खर्चा है। फोन से लेकर के कपड़े, उनका खाना, सब कुछ उनकी सैलरी में से रहता है। तो आपको तसल्ली हो गई होगी कि प्रधानमंत्री कौन सा फोन यूज करते हैं और वो फोन उन्हें किसी ने गिफ्ट तो नहीं दिया। ये जो फोन वो आईफोन यूज कर रहे हैं ये उन्होंने खुद से खरीदा हुआ है। अब आती है बारी मेरे मतलब की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भविष्य में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करूं। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आप मेरे वीडियो लाइक कीजिए, आप वीडियो में कमेंट कीजिए। तो अगर आप कमेंट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो मेरे को एक तरह की एनर्जी देता है। मुझे भी लगता है कि आप मेरे काम को प्यार करते हैं, इसीलिए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।